हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 17 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द वर्ल्ड अनबैलेंस, और देखिए दोनों ही मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। मेजर आर्काना के कार्ड्स कहीं मेजर इवेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, ये वीकली रीडिंग है, वीकली रीडिंग में वैसे तो बहुत बड़ी कोई चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन इस वीक कुछ लोगों के लिए किसी लेवल पे कोई मेजर इवेंट रह सकता है। और देखिए, स्पेसिफिकली वर्ल्ड के कार्ड को देखें तो वर्ल्ड का कार्ड कहीं एंडिंग बिगनिंग की बात करता है, आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड किसी एक्टिविटी के होने की बात करता है, एकम्प्लिशमेंट्स की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, एप्रिसिएशन और रिकग्निशन की भी बात करता है, और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। पीछे किसी भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे तो उसी से ही रिलेटेड एक कंप्लीशन रहता हुआ दिख रहा है, चीज़ें फाइनलाइज होती हुई दिख रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अगेन आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड किसी भी तरीके की एक्टिविटी हो रही है, और ये जनरल रीडिंग है तो ये एक्टिविटी सब के लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई कनेक्शन आपका बन रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं। और देखिए, जो चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहीं, यहाँ पे सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। ब्रॉडली स्पीकिंग देखिए, आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कोई एक्टिविटी इस वीक रह रही है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि द वर्ल्ड का कार्ड एंडिंग और बिगनिंग की भी बात करता है, तो ऐसा भी कुछ कैंसेरियंस या फिर काफ़ी सारे कैंसेरियंस के लिए किसी लेवल पे रह रहा है, जहाँ पे एक फेज या फिर से मैं कहूँगी कोई चीज़ एंड हो रही है और एक नई बिगनिंग हो रही है। और देखिए, ये एंडिंग बिगनिंग कहीं एक हैप्पीनेस, एक जॉय ही लाती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए, बैलेंस का कार्ड हो सकता है कैंसेरियंस आपको एडवाइस दे रहा हो कि ऐसे में आप ऑफ ग्राउंड ना हो, आप ओवर एक्साइटेड ना हो, या फिर किसी भी चीज़ को आप ओवर ना करें, एक बैलेंस ज़रूर आप मेंटेन करें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमारी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं तो हम अगेन ऑफ द ग्राउंड हो जाते हैं और फिर कहीं इश्यूज़ भी हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो देखिए, इस चीज़ का ख्याल रखें। और हो सकता है कि बहुत सारे कैंसेरियंस ऐसी एनर्जीज में हैं जहां पे अगेन मैं कहूंगी कि एक बैलेंस वो कॉन्शियसली मेंटेन करना चाह रहे हैं। एंड देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द सन एंड मेमोरीज ऑफ लव। तो देखिए, सन का कार्ड भी कहीं फ्रेश बिगनिंग की बात करता है। हम सब लोग जानते हैं, जब सुबह सन आता है तो नया दिन होता है, अगेन नए दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं नई बिगनिंग की बात करते हैं और दोनों ही कार्ड्स कहीं हैप्पीनेस और जॉय की भी बात करते हैं। तो फिर से देखिए, जो भी नई बिगनिंग या मैं कहूँगी कि जिस भी लेवल पे नई बिगनिंग हो रही है, वो एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। और देखिए, सन भी कहीं सक्सेस की बात करता है, तो अगेन किसी भी चीज़ पे आप बहुत टाइम से एफर्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड एक सक्सेस आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए, ओवरऑल ही सरफेस लेवल के लिए एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहती हुई दिख रही है, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं।
और देखिए जो भी चीज़ों के लिए पीछे आप प्लानिंग कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग इस वीक चीज़ें जाती हुई दिख रही हैं। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड कहता है कि पुरानी किसी बात को, पुराने किसी इवेंट को, पुराने किसी रिलेशनशिप को, पुराने किसी इंसान को आप काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अगेन पास से कोई इंसान, पास से कोई इवेंट इस वीक आपकी लाइफ में आ रहा है और उसी वजह से एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी आपकी लाइफ में रह रही है। तो देखिए जो भी हो कैंसरियंस, ओवरऑल ये वीक आप लोगों के लिए अच्छा या फिर ठीक ठाक जाता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रिलीज का कार्ड है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स नई बिगनिंग की बात करते हैं, मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड पास्ट की बात करता है। तो इन चारों ही कार्ड्स को अगर हम कंबाइन करें तो रिलीज का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको आप लेट गो करें, या फिर देखिए नई बिगिनिंग जो भी आपकी लाइफ में आ रही है उसको आप एक्सेप्ट करें और पुरानी चीज़ों को आप रिलीज़ करें, अपने पास्ट को आप रिलीज़ करें अगेन आगे बढ़ने से पहले। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है और इसके हिसाब से मंडे का दिन आप लोगों के लिए इस वीक सिग्निफिकेंट रह सकता है एंड लकी कलर आप लोगों के लिए होगा वाइट। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।